मैं विश्व वैभव देशमुख एंड वेलकम बैक टू अ न्यू चैनल जिसका नाम है आयुर्वेदा टॉक्स। इस चैनल के ऊपर हम आयुर्वेदा यानी बीएमएस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्वाइव द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस। एक्चुअली ये वीडियो फर्स्ट ईयर बीएमएस वालों के लिए एज वेल एज द सेकेंड ईयर बीएमएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई एम अ थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट फ्रॉम द बीपीएमसी सांगली। मेरा भी थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को एज अ सीनियर की तरह से देख सकते हो कि एक सीनियर आपको कुछ राय देने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी के अंदर, मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आज मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की एक नई बैच आ चुकी है, 75 की बैच है। तो इसके अंदर एक मैं आपको कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा, आउट ऑफ दैट 75 स्टूडेंट्स किसी की भी बीएमएस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी कि यार मुझे नीट देना है क्योंकि मुझे बीएमएस करना है। ऐसा मोस्ट ऑफ द बच्चों पर नहीं होता है, एंड आई जस्ट होप कि आपका भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सोच रहे कि उन्हें एमबीबीएस मिलेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बीएमएस के अंदर फ्रेशर जो होते हैं ना, फ्रेशर स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। तो इस चीज़ की रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट यार मैं और एक वीडियो बना सकता था जिसका नाम है क्या फर्स्ट ईयर एसेंशियल थिंग्स, लाइक कौन सी किताबें खरीदनी है, क्या खरीदना है। यार मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा टोटली फ्रैंकफुली, अगर मैं वो वीडियो बनाता हूँ कि यार कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, मुझे ढेर सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। बट मेरा एक सजेशन आपके लिए रहेगा कि जो किताबों वाली चीज़ें हैं ना, वो अपने सीनियर से पूछो, क्योंकि आपके कॉलेज के अंदर जो सीनियर होते हैं ना, जो कि सच में पढ़ाई करते हैं, सच में होशियार है, होनहार है, उनसे जाके पूछो कि यार भैया या तो सर हमें कौन सी किताबें खरीदनी है ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। मैं तो बता सकता हूँ, बट वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। जस्ट सपोज कि हमारे कॉलेज में एक पर्टिकुलर एक एडिशन की बुक यूज़ की जाती है, अदर कॉलेज में पर्टिकुलरली दूसरी बुक यूज़ की जाती है, सो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर आप जब इंटर करते हो तो सभी चीज़ें बहुत डिफरेंट लगती है। मुझे भी लगी थी आयुर्वेदा पसंद नहीं आता, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो होप्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, लाइक हमें यार एमबीबीएस की तरह लाइफ चाहिए होती है, एमबीबीएस की तरह एज इक्वल टू एमबीबीएस सब कुछ चाहिए होता है। बट बीएमएस की एक रियलिटी है कि एज इक्वल टू एमबीबीएस आपको यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो आयुर्वेदा का बेस है वो आयुर्वेदा है, एंशियंट साइंस है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारतीय इंडियन हमारा साइंस है। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड चीज़ है कि आपका जो सोच होता है ना, वो सोच होता है कि यार मुझे अभी बहुत कुछ मॉडर्न सीखना है, मॉडर्न प्रैक्टिस करनी है, आयुर्वेदा सीखना है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है। वो जो आपकी जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो यहाँ पर 100% फुलफिल नहीं होने वाले, उसकी चीज़ रिगार्डिंग एक्चुअली कंसर्न होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं जब वो बीएमएस का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी जब मैंने फर्स्ट ईयर में देखा कि यार बीएमएस का सिलेबस इतना गंदा है, ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर संहिता होती है, वो मुझे पसंद नहीं आया था। बट अभी करना क्या है, सो व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, एज वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम अर्लियर, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या आप बीएमएस छोड़ना चाहते हो? ट्रस्ट मी, इस कंडीशन पर, इस रीज़न की वजह से बीएमएस मत छोड़ना, या तो उस चीज़ की रिगार्डिंग मतलब सोचना भी मत। तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है, बीएमएस छोड़ नहीं सकते, तो अभी बीएमएस को कंटिन्यू करना है, परस्यू करना है। व्हाट आफ्टर बीएमएस? बीएमएस के बाद आप एमडी करोगे, एमएस करोगे, बहुत बढ़िया चीज़ है, बीएमएस बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट ईयर में नहीं लगता है, ठीक है? मुझे भी नहीं लग रहा था, इवन सेकेंड ईयर में भी मुझे बीएमएस उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो वो करोगे, एंड एट दी एंड जब आप डॉक्टर बनोगे, एज अ वैद्य बनोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भी कई लोग कहते हैं कि अरे खुद को डॉक्टर बुलाते हैं, ठीक है? एंड कई लोग ना हमें एज अ पैरामेडिकल भी कंसिडर करते हैं, लेट इट बी, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर मैं बीएमएस को आसमान तक लेके जाना चाहता हूँ, तो वही चीज़ें करूँगा, लिमिटेड वीडियोज आएंगे बट अच्छी आएंगी, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी फाइनल सोल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको एज अ बीएमएस डॉक्टर, आपको एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, सर्वाइव करना है, एंड इसी चीज़ के अंदर आपको जीना है। देन वॉट माई फ्रेंड्स, बीएमएस के अंदर क्या करना है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ऐसा सोच के आए होंगे मोस्ट ऑफ द बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, क्लास में टॉपर बनूंगा। क्या सच में ये वर्थ इट है? टू बी मोर ऑनेस्ट माई फ्रेंड्स, माई डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, मेकिंग सम गुड फ्रेंड्स, गेटिंग सम गुड बॉन्ड एंड द कनेक्शंस विद योर सीनियर्स, एंड देन एन्जॉयिंग योर लाइफ अलॉन्ग विथ योर स्टडीज, ठीक है?
मतलब बहुत कुछ करना है पढ़ाई के साथ। अभी इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन लो अगर आप सच में एक जीनियस हो। अगर बस इस वीडियो को देख के भूलना चाहते हो देन जस्ट स्किप दिस वीडियो। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स, इंक्रीज द व्यूज एंड गेट सम मनी। आई डोंट वांट सच थिंग्स। आई जस्ट वांट टू क्रिएट सम वैल्यूएबल थिंग्स ऑन दिस चैनल। सो इफ यू आर अ जेन्यू स्टूडेंट, जस्ट टेक अ बुक एंड जस्ट पेंसिल और द पेन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेन नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। अभी यहाँ पर अभी तक आपने जो चीज़ें की थी, रट्टा मारा था, वो चीज़ें नहीं करनी है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। सो क्या कॉन्सेप्ट समझनी है, क्या नॉलेज लेना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आपको सब कुछ बेसिक होता है, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय हो जाएगा, चरक संहिता हो जाएगी एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी बेसिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे समझो, उसके ऊपर ध्यान दो, रैदर देन इसे रटना है मुझे टॉपर बनना है क्लास का। क्लास का टॉपर बन के कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी है, एक तो बेस्ट समझना है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्तों की अच्छे से पढ़ाई करनी है। वो जो रिग्रेट होता है ना कि यार मुझे MBBS नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बकवास है यार, ठीक है, बकवास है। एट सच मैनी पॉइंट्स मुझे भी फील होता था कि मुझे भी BBS मिला है, आई ऑल्सो नॉट गॉट सिलेक्टेड इन टू द MBBS एंड आई एम सच अ फेल्यूअर। बट माई डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ फेल्यूअर एक्चुअली, ठीक है। After many days, I got to realize that I'm not a failure and the BMS chose me and that's so why success chose me because मेरे अच्छे खासे मार्क्स हैं नीट के अंदर। 490 स्कोर है, बहुत कम नहीं, 2020 के अंदर है, अभी के रैंक के साथ कंपेरिजन मत करना। तो फर्स्ट थिंग हो गई, समझ लेना है, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हम एज अ BMS, एज अ आयुर्वेदिक जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमें दो पढ़ाई करनी पड़ती है। टू टाइप ऑफ द स्टडीज, वन इज द आयुर्वेदिक, एक्चुअली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद का जितना बेस्ट होगा उतना अच्छा होगा। सेकेंड वन, द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड वन इज द मॉडर्न नॉलेज। एक्चुअली अगर आप इस जमाने को देखोगे तो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मल्टीपल चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे, मॉडर्न नॉलेज इज मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आयुर्वेदिक नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी लिमिट्स, बट मॉडर्न नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं आपके सामने एक MBBS को रख दूँ, ठीक है, एंड एक BMS को रख दूँ, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उसके बीच में और आपके बीच में नॉलेज का डिफरेंस है। एक चीज़ याद रख लो, आपको भी मॉडर्न नॉलेज उतना ही गेन करना है जितना वो लेगा। ऐसा नहीं क्या मैं BMS को मतलब मैं मॉडर्न नॉलेज नहीं लूँगा। एज मच एज पॉसिबल मॉडर्न नॉलेज लो, किताबें पढ़ो, BDC पढ़ो, वहाँ फिजियोलॉजी की अच्छी सी किताबें लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करो, इन्वेस्ट करो उस चीज़ों के ऊपर, तो वो चीज़ें करनी है। 9 मिनट्स होने वाले हैं एंड आई एम स्टिल ऑन माई फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअली सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नॉलेज लेना है, सेकंड पॉइंट दोनों चीज़ें कवर करनी है। अभी मैं पढ़ाई को एकदम दूर लेके जाना चाहता हूँ। अभी मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी एज अ फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट, जो कि आपके अगले 3 या तो 4 साल को बहुत अच्छे से ट्रैक पर लेके आएंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, BMS का फर्स्ट ईयर है, बस घर में बैठना है, पढ़ाई करनी है, कॉलेज को जाना है, अटेंड करना है, अटेंडेंस लगानी है, ऐसा मत करना। फर्स्ट ईयर है, एंजॉयमेंट कर लो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एंजॉयमेंट कर लो, दोस्त बनाओ, दोस्त बनाने के ऊपर अगला पॉइंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। दोस्त बनाओ, अच्छे से घूमो फिरो, पार्टी करो, सीनियर के साथ घूमो, द थिंग्स जो भी आपको पता है, पसंद है, वो करो, सब कुछ करो, बट पढ़ाई के साथ करो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दिया, बाकी सब कुछ कर लिया और फिर बाद में एट दी एक्ट, हाँ वैभव ने बोला था, वैभव भैया ने बोला था, ऐसा नहीं, मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान में लगा लो। कौन सी चीज़ें, द थिंग्स जो कि मैंने आपको वही बताई, तो घूमो फिरो अच्छे से, हर एक चीज़ करो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्त कैसे बनाने हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक हार्श रियलिटी है कि सभी के सभी लोग चूतिया थे, ठीक है, या तो MC, पता है MC का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ बैड वर्ड, गाली है। एक्चुअली द पीपल डिजर्व दिस गाली, ठीक है। मैं नॉर्मली वीडियोस के अंदर गाली नहीं देता क्योंकि एक एक्चुअली अच्छी बात नहीं होती है, आपका एक दर्जा दिखाता है, एक लेवल दिखाता है कि आप कितने लेवल गंदी हो। पर एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आपके अच्छे दोस्त नहीं बनते हैं, जितने हैं उनमें से 90% चले जाते हैं, साफ होते हैं। अभी ये मेरे ऊपर हुआ है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ दी जगह पर, मैंने ऐसा देखा है। सो मेरे दोस्तों, एक चीज़ देखना, दोस्तों के साथ ज़्यादा बहना नहीं है किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ बहुत कम नहीं है, एवरेजली अच्छे दोस्त बनाओ,
अपन अपने लिमिट में रहो, आप अपनी लिमिट में दोस्तों के साथ एंजॉय करो, दोस्त मत बनाओ अकेले रहो, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा, दोस्त बनाओ लिमिट में रहो और लिमिट को कभी भी क्रॉस मत करने देना, ना उन्हें ना अपना, मतलब क्या लिमिट में रहना, एंजॉय करना, घूमना, कुछ भी करो, क्योंकि विदाउट फ्रेंड्स आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। सो जितने फ्रेंड्स बना लिए उतने बना लो, बट एक लिमिट में रहे। इतनी चीज़ें हो गई, दोस्त बना लिए, सब कुछ कर लिया, अभी बात आते हैं कि सीनियर के साथ कैसे पेश करना है, ठीक है। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, व्हेन आई एंटर इनटू माय कॉलेज द वेरी पॉसिबल ट्रबल टू मी वाज माय सीनियर्स, गंदे लगते थे यार, ठीक है, ऐसे दो चार सीनियर्स थे तो मेरे को लगता था कि अरे कॉलेज छोड़ के कब जाएंगे, ठीक है। एंड लिटरली आई एम इन थर्ड ईयर नाउ, माय थर्ड ईयर इज गेटिंग ओवर, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है कि यार सीनियर्स कॉलेज में नहीं है ना, तो कॉलेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक दिस इज फेज यार, ठीक है, द वेरी गुड वन, द वेरी गुड फ्रेंड्स, द वेरी गुड पीपल एक्चुअली अराउंड यू आर योर सीनियर्स, ठीक है। सो हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद योर सीनियर्स, ठीक है, जस्ट गेट अटैच टू योर सीनियर्स बट नॉट मच, ठीक है, एज इन लिमिट विद एवरी वन, ये सभी चीज़ें करो। देन द नेक्स्ट सजेशन टू यू माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो, द थिंग आई फील विच आई शुड लाइक टू टेलिंग, आई एम टेलिंग वी, ठीक है, आई एम शेयरिंग विद दिस फैक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक, आप किसी भी पॉलिटिक्स में मत पढ़ना, ठीक है, जितनी अच्छी चीज़ें हैं कर सकते हो वो करो, किसी भी पॉलिटिक्स में मत पढ़ना, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, जितना अच्छी चीज़ों में रहना, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बुरी चीज़ों में मत हो, क्योंकि वो बहुत गंदी चीज़ होती है, आपको बाद में जाके पता चलेगी। एंड यस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ओके। सो आई एम थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एक्चुअली थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है। तो तीन साल में मैंने क्या उखाड़ा, तीन साल में अभी के जितनी चीज़ें बताई मैंने उतने एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर की एवरेज पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर आई वॉज नॉट दैट गुड, ठीक है, बहुत इन्जॉयमेंट की मैंने, ठीक है। सेकेंड ईयर अच्छा खासा किया है, और थर्ड ईयर में मैंने अपने थोड़े एफर्ट्स डाले हैं, लाइक ईयर वाइज मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है अपने आप को, ठीक है। नॉलेज वाइज थोड़ा सा कम हूँ जितना होना चाहिए था, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ उस चीज़ों के अंदर। देन मैंने एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 1,16,000 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, 1.5 लाख कुछ दिनों के अंदर करवा देंगे, जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। दिस इज माई सेकेंड चैनल रिगार्डिंग आयुर्वेदा, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर भी है, मैं सोशली एक्टिव होता हूँ, ठीक है। मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ाया है एज एजुकेटर, ठीक है। एंड मैंने एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अर्न किया है, जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड से भी बहुत ज़्यादा था। मैं अपनी अभी की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, एंड उसके बाद भी दो चार साल जो मैं अगर मैं कुछ पढ़ाई करूँगा, तो तब तक के कॉलेज की फ़ीस, मेरे खुद की जो स्पेंडिंग्स होती है, वो सब मैंने खुद से की है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स एक्चुअली फॉर सच अ थिंग, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। सो कुछ तो प्रोडक्टिव करो, ऐसे वेले बैठना मत, ठीक है, कुछ तो प्रोडक्टिव करो। एंड इन सब चीज़ों के बाद भी आपके ऊपर कुछ जेलसी होगी, आपको किस चीज़ के अंदर डाला जाएगा, बट आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से जियो, मतलब आनंद लो। सो ये मैं 15 मिनट्स मैंने इस टॉपिक के ऊपर डाले, वाई क्यों डाले, ठीक, बिकॉज दिस टॉपिक्स और दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू एड सम वैल्यू इन योर लाइफ। So I just don't want to increase this channel a lot and earn some money, and I don't want such things because I have another channel जिसके ऊपर मैंने ठीक ठाक किया है। आई एम नॉट एक्टिव ऑन दिस चैनल, ठीक है, मेरे को किसी चैनल से कुछ भी नहीं चाहिए, बट अगर आप इस चैनल से और किसी भी थ्रू से मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, देन प्लीज़ शो यूर सम सपोर्ट, एंड यू कैन शो यूर सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ बाई हैविंग अस गुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and just you can hit this like button for this particular video. So actually this motivates me a lot, and I'm sure ki aap wo cheeze karoge, and let's meet in another video. So jo videos mujhe acche lagenge, jitne ke topic acche lagenge, is channel ke upar aayenge, otherwise topics videos nahi aayenge. So is channel ke upar limited videos aayengi, main fir se batata hu, kyunki mujhe achhi cheeze batani hai, buri cheeze nahi batani, theek hai, buri cheeze nahi batane matlab time pass nahi karna hai, पॉजिटिव नेगेटिव साइड देखने पर टाइम पास नहीं करना है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।